हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स प्रोजेक्ट के अंदर बिहेवियर मैनेजमेंट सीरीज में आज जो हम बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर, जो कई मदर्स का क्वेश्चन आया है कि हमारा बच्चा सब कुछ करने के बाद भी व्यवहार में बदलाव नहीं ला रहा है, तो सब कुछ में मेरे समझ में क्या आया कि वो सब कुछ तो किया जा रहा है जिससे बदलाव नहीं आता, यदि आता है तो नेगेटिव आता है, मगर वो कुछ नहीं किया गया जिससे बदलाव आता है और परमानेंट आता है, पॉजिटिव आता है। हम पनिशमेंट देने को जो क्षणिक बदलाव आता है उसको बदलाव समझते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वो बदलाव बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग बैड मेमोरीज क्रिएट करने वाला बदलाव होता है, उससे बच्चे की पर्सनालिटी में कोई बदलाव परमानेंट नहीं आ रहा होता है या पॉजिटिव नहीं आ रहा होता है। तो कई पेरेंट्स ने कहा है कि हम टाइम टू टाइम ये देखते हैं कि बच्चे के ऊपर चिल्लाना हमारा बढ़ता चला जा रहा है और उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार हमको पब्लिक में भी चिल्लाना पड़ता है क्योंकि बच्चा हमारी आंखों से नहीं समझ पा रहा है कि हम उससे क्या चाह रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, बच्चा कोई आपके दरवाजे में लगा हुआ सेंसर नहीं है जिसने आपको देखा और दरवाजा खुल जाए। बच्चा एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल दिमाग रखता है, उस दिमाग की अपनी स्थिति होती है, कभी वो किसी और स्थिति में होता है, कभी जॉली मूड में होता है, कभी सैड मूड में होता है, कभी उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज और कहने के तरीके में कंफ्यूजन होता है। इसलिए बच्चे में वो जो आप कह रहे हैं कि हमारे सुधारने की कोशिश करने के बाद भी बच्चा उस समय अपने आप को नहीं इम्प्रूव कर रहा होता है, तो आपको क्या करना है कि जो हमने एक एक्शन प्लान बनाया अपने माइंड में कि मुझे मेरे बच्चों से ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं, तो सबसे पहले एक फैमिली रूल बनाइए और वो रूल बुक सभी बच्चों के साथ बैठ के बनाइए, परिवार में जितने भी बच्चे हों, और उसमें बिहेवियर डिजायर्ड, बिहेवियर अनडिजायरेबल, बिहेवियर नॉन नेगोशिएबल या नॉन टॉलरेबल, आप तीन लिस्ट बना दीजिए। तीन लिस्ट में आप सारे टाइप के बिहेवियर्स को लिस्ट आउट कर दीजिए और उसका एक बढ़िया सा पोस्टर बनाइए, घर में कहीं दीवार पे ऐसी जगह लगाइए जहां बच्चा देखता हो और आप भी देखते हो। और ये जो बिहेवियर मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये अकेले बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूं, जब ये आप टेबल बनाए तो ये सभी के लिए बनाए, क्योंकि बच्चा आपको फॉलो करता है, आप टाइम टेबल को, आप रूटीन को, आप उस जो शीट आपने बनाई है उसको फॉलो करेंगे तो बच्चा भी उसको फॉलो करने लगेगा। तो क्या है, ये मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा कि हमने किस किस तरह का बिहेवियर डिजायर्ड है, नॉन डिजायरेबल है, नॉन नेगोशिएबल है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। उसको डिफाइन करने के बाद आप बच्चों से सजेशंस मांगिए और पूछिए कि बेटा मुझे कहां इंप्रूव करने की जरूरत है, आप खुद वॉलंटियर करिए, और उसके बाद आप पाएंगे बच्चे भी वॉलंटियर करना शुरू कर देंगे। आप वो वाली परिस्थिति में मत जाइए कि मैं तो सिगरेट पीता हूं मगर तुझे सिगरेट पीने के लिए मना करता हूं, मैं तो शराब पीता हूं तुझे शराब नहीं पीने दूंगा, मैं तो झूठ बोलता हूं तुझे झूठ नहीं बोलने दूंगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। यंग एज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसी काम को आप उससे मना कर रहे हैं, वो कौन सी बात को माने। तो मेरी राय सिंपल है कि जो रूल्स बनाएं, फैमिली रूल्स बनाएं, उन फैमिली रूल्स को प्रॉपरली घर में कहीं डिस्प्ले करें, फॉलो करें और शुरुआत अपने आप से करें, और उसमें बच्चे को लीडर बनाएं, बच्चे से बोलें कि बताओ कहां कहां मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। बड़े ना बने कि इसने, ये तो छोटा है, इसने मेरे अंदर कमी निकाल दी। आप उसको जब एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चा भी गलत चीज
जब आप इंडिकेट करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। आपने कहा बच्चे को कि तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है, तो बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले आप मान चुके हैं बच्चे के कहने पे। जैसे बच्चा बोलता है पापा आपका चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है बेटा आई स्टॉप इट। जब आप बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारा चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है, तो बच्चा भी कहेगा ओके डैड आई विल इंप्रूव। सो ये गिव एंड टेक एंड वी विल हैव टू स्टार्ट एंड वंस यू स्टार्ट यू विल सी द चिल्ड्रन विल बिकम योर फॉलोअर्स। एंड कीप इन माइंड इट कैनॉट हैपन ऑन अ क्लिक ऑफ माउस, इट टेक्स टाइम, यू हैव टू डेवलप दैट हैबिट एंड एटलीस्ट फॉर 40 डेज प्लीज कंटिन्यू, यू विल सी द परमानेंट चेंज इन योर चिल्ड्रन। सो क्या करना है, फैमिली रूल्स बनाने हैं, उन फैमिली रूल्स में बिहेवियर को टिक करना है, कौन कौन से बिहेवियर्स डिजायरेबल हैं, नॉन डिजायरेबल हैं, नॉन नेगोशिएबल हैं, और उसके हिसाब से चलते जाना है। अब इसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है कि पेरेंट्स की तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनके नॉन डिजायरेबल या नॉन नेगोशिएबल जो बिहेवियर थे हर समय उन पे फोकस करने के बजाय हम जो डिजायरेबल और जो एग्जीक्यूटेड है, जिसमें जो भी गुड बिहेवियर होता है उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, उसी को पता करने की कोशिश करें, धीरे धीरे बच्चे की भूख आपकी तारीफ के लिए बढ़ती चली जाएगी और वो वही एक्टिविटीज करने लगेगा जिस पे आप उसकी तारीफ करते हैं। गलत तारीफ बिल्कुल ना करें, गलत तारीफ नुकसान पहुंचाती है। आपको करना क्या है, उस बच्चे को स्पॉट द चाइल्ड डूइंग समथिंग राइट ऑल द टाइम। जब आप अच्छाइयां बढ़ाने लगेंगे बुराइयां दबती चली जाएंगी, जब आप बुराइयों को नर्चर करेंगे बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। तो बुराइयों को रिपीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे क्या करना है कि बच्चे के टेम्परामेंट को समझना है, बच्चे के टेम्परामेंट को रीडायरेक्ट करना है। यदि बच्चा गुस्सेल है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ गुस्सेल बच्चे को कैसे डील किया जाए, उस वीडियो को जरूर देखें। बच्चे में गुस्सा है, बच्चा आपसे रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं रखता है, बच्चे आपको इग्नोर करता है, बच्चे की टेंडेंसी अब्यूजिव है, और उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करें कि वो अब्यूजिव टेंडेंसी बच्चे में कहाँ से आ रही है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उस बच्चे को नॉर्मल बच्चा बनने से रोक रही हैं, एक अच्छा बच्चा बनने से रोक रही हैं। जैसे हम हर समय चिल्ला के काम करवाना चाहते हैं, वो काम नहीं आता। हम पनिशमेंट थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं, वो काम नहीं आता। हम कई बार हर काम में ये सोचते हैं कि मैं जोर से बोलूंगा तो बच्चा कर देगा, नहीं काम आता। आप हर बार ये सोचते हैं कि एक थप्पड़ पड़ेगा तो बच्चा काम कर देगा, नहीं होता। नहीं होता मीन्स परमानेंट चेंज नहीं होता। उस समय क्षणिक मोमेंट में आपको हो सकता है लगे कि मेरी बात मान ली गई है, मगर उसका बहुत बड़ा नुकसान बच्चे के ऊपर होता है। ये भी आप ऑब्जर्व करें कि आपका बच्चा इम्पल्सिव है क्या, बच्चा हाइपरटेंसिव है क्या, आपका बच्चा सेंसिटिव है क्या, आपका बच्चा इमोशनल वीक है क्या। जैसे आपने कोई छोटी सी बात कही और बच्चा रोने लग गया, तो वो इमोशनल वीकनेस को भी देखने की जरूरत है, और ये भी देखने की जरूरत है कि मेरे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या। मेरा टारगेट आपके साथ मिलकर हर बच्चे को फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चे ग्रो करने का है, और मुझे पूरा भरोसा है हम सब लोग मिलकर अपने बच्चों को फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स में स्लोली स्लोली कन्वर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे, और इस काम को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका साथ इसमें मिलता रहेगा। टिल देन कीप वॉचिंग दीज वीडियोज एंड कीप शेयरिंग देम with other parents also, so that
a larger number of students are benefited. Thank you so much.